अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। अगर आप खास करके छुट्टी आए हुए हैं तो आपको देख लेना ज़रूरी है ये वीडियो, और कुवैत में काम काज करते हैं किसी भी कंपनी में तो भी आपको देख लेना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि दो खबरें हैं और दोनों ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी काम काज करते हैं या फिर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी जो है इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कुवैत के अंदर। कुवैत गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है हर जगह से कम लोगों को जो है ज़्यादा सैलरी की जॉब दी जाए, तो उसी के हवाले से आपकी जॉब के हवाले से ये अपडेट आ रही है निकल के। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है, जो लोग छुट्टी गए हुए थे या फिर किसी भी तरीके से कुवैत को उन्होंने छोड़ रखा था और वो कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री से हो, इसमें किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिया गया है। लगभग 12,000 लोग ऐसे हैं जो को कुवैत से बाहर हैं और वो कोरोना की वजह से फंस गए, लेकिन अब उनके वीज़ा भी एक्सपायर हो चुके हैं और वो कुवैत के अंदर एंट्री वीज़ा सोच रहे हैं कि मिल जाएगा और हम जाकर अपनी जॉब पर वापसी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि वो लोग अब एंट्री नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, वो लोग जिनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई है, लाइक जैसे कि 700, 800 या 1,000 या 1,200 दिनार उनकी सैलरी है, तो ऐसे लोग जो है वो कुवैत के अंदर अब एंट्री नहीं कर पाएंगे, ना ही उनको एंट्री वीज़ा मिलेगा और ना ही वही जॉब जो वापस कर रहे थे जाके वहाँ पे कर सकेंगे। और जितनी भी इतनी जो सैलरी वाली जॉबें हैं, चाहे वो कुवैत में लोग अभी भी फ़िलहाल में रह रहे हैं, तो उनकी जगह पर जो है कुवैती नागरिकों को रखा जाएगा और ऐसे 12,000 लोगों को जो है रखा जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है निकल गया और ये काफ़ी ज़्यादा ये मान के चलिए ख़तरनाक है, क्योंकि एक तो किराया मतलब जो टिकट के प्राइस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा है। आम इंसान जाएगा जिसकी सैलरी कम है तो वो वैसे नहीं जा पाएगा, और ज़्यादा सैलरी वाले को ये नहीं ले रहे हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए। तो ज़्यादातर जो है जितने भी सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कोई भी कंट्री हो, ज़्यादातर जो है अभी इनके जो माइंड की थिंकिंग है वो बन गई है, जो ज़्यादा सैलरी वाले पोस्टें हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, तो वहाँ पे अजनबी लोगों को हटा के वहाँ पे जो है कुवैती नागरिकों को रखना। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी अगर कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं एंट्री वीज़ा लेकर और आपकी सैलरी ज़्यादा है तो एक बार अपनी कंपनी से आप क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप वापस ना आए, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट जो सैलरी वाली जॉब है आपको नई भी जाकर नहीं मिलेगी। जो पुरानी कर रहे थे वो तो जा चुकी है लेकिन नई भी नहीं मिलेगी, ये अपडेट भी निकल के आ रहा है। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है कंपनी के हवाले से। एक लेडीज ने जो है वो फरवानिया गवर्नमेंट में जो है कंप्लेन दर्ज कराई है पुलिस थाने में, और उसने कहा है एक इंडियन बंदा उसकी कंपनी का काम करता था, जो पैसे का लेन देन का काम करता था, इधर से लिया उधर जमा किया, उधर से लिया उधर जमा करता, यानी कि कैशियर था उस, वो इस तरीके से वो जमा करता था, लेडीज़ की कंपनी थी। अब वो उसने 1,200 उसको जमा करने के लिए पेमेंट दिया लेकिन उसने जमा नहीं किया और उसका फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा, फ़ोन बंद करके बैठ गया और उसका अता पता नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है उसने कंप्लेन दर्ज कराई है। तो अगर आप भी इस तरीके से कुछ सोच रहे हैं कि भाई कहीं से भी पैसा मिल जाए और उसको दबोच के बैठ जाएँ और फिर उसके बाद में कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि इस तरीके से आप कहीं पर भी रहते हो, चाहे विदेश में, देश में, कहीं पर भी रहें, तो आपकी जो है पकड़ हो जाएगी उसमें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है और हो सकता है आप ऐसे बुरे फंसें, फिर आपको कई महीने, कई साल भी हो सकता है कि जेल हो जाए और उसके बाद में ही आपको रिहा किया जाए। तो ये दो बड़ी अपडेट थी जो कि एंट्री के हवाले से, एग्जिट के हवाले से दोनों मैंने आप तक शेयर की। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है, और ये जो अगर आप काम करते हैं किसी भी कंपनी वगैरह में कहीं पर भी, तो आप जो है पैसे की हेरा फेरी बिल्कुल ना करें, जो काम आपका है उसको बखूबी निभाते रहें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर हमारे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर।